टोमेटो भिंडी मसाला बनाने के लिए देखिए, हमने भिंडी को इस तरह से चॉप कर लिया है पीसेस में, राउंड पीसेस में। साथ ही मैंने लिया है बिग साइज टोमेटो, इसको भी इस तरह से चॉप कर लिया है। ये मैंने वन ओनियन लिया है, इसको भी इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। ये मैंने पीनट्स लिए हैं, इसको इस तरह से बारीक क्रश कर लिया है। और लेमन का जूस हम ऐड करेंगे उसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाता है, सबसे पहले आप हींग ऐड कर दीजिए। हींग के साथ ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे तड़के के लिए। आप जीरे का यूज़ भी कर सकते हैं। सौंफ ऐड करने के बाद हम सबसे पहले इसमें ओनियन ऐड करेंगे। ओनियन को 3 से 4 मिनट आप पका लीजिए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, ओनियन को 3 से 4 मिनट हमने पका लिया है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। टोमेटो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हमारी भिंडी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई ही रखना है। इसको प्रॉपरली मिक्स करके अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें। अब इसमें हम सबसे पहले लेमन ऐड कर देंगे। लेमन हमें बहुत थोड़ा ही ऐड करना है। लेमन इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपके ही नहीं और बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसको 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, भिंडी बिल्कुल पककर रेडी है और ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बिकॉज हमने इसमें लेमन ऐड किया था। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ये हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, साथ ही हम इसमें हमारे क्रश्ड पीनट भी ऐड कर देंगे। इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। फ्लेम को आप सिम पर ही रखिए। अभी मसाले को आप 2 से 4 मिनट के लिए पकने से छोड़ देते हैं। हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है।